सो हेलो एवरीवन तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर फोर्टी सेवन ऑफ जी के पी वाई की सीरीज पार्ट थ्री एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हाँ जी गुड मॉर्निंग दरोगा पप्पू सिंह आदर्श कविता रजनीश ट्रेवल्स बीट द ही ट्रेवल्स जी ने तो कल तूफान ला दिया है कल तो आपने काफ़ी कुटाई कर दी मुंबई इंडियंस की दीप शिखा सिंह रिक घोष नेहा अर्नब प्रवीण संतिका तनुषा सुब्रत प्रदीप चलो सभी को गुड मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं ठीक है हाँ जी तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे जल्दी जल्द जल्दी करना है ठीक है आराम आराम से नहीं बिकॉज अब ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे करे हुए हैं ना इसलिए ठीक है करिए जल्दी से फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रीन रेवल्यूशन इज और आर करेक्ट हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ग्रीन रेवोल्यूशन बिगेन इन नाइनटीन सिक्सटीज एच वाई वी ऑफ आर सीड मेड ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैटल वॉज ऑल्सो वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हाँ जी सभी को गुड मॉर्निंग कॉन्टीन्यूस हंड्रेड लेक्चर तक अच्छा सौ <laughs> लेक्चर तक ब्लू कलर देखते ही ट्रेवल भैया को कुछ हो जाता है हाँ ट्रेविस भैया ब्लू देखते ही चिढ़ जाते हैं पता नहीं क्यों ऐसे नहीं सांड होता है उसको लाल दिखाओ तो चिड़ जाता है वैसे ही ट्रेविस बीट द हीट को <laughs> चलो अच्छा तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन मिड नाइनटीन सिक्सटीज़ में स्टार्ट हुआ था हमें पता है उस समय कौन सा फाइव ईयर प्लान चल रहा था एच वाई वी ऑफ अ सीड मेड ग्रीन रेवल्यूशन अक्सेड सक्सेस एच वाई वी का मतलब क्या है यहाँ पर जल्दी से कॉमेंट में लिखिए एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कैटल वॉज ऑल्सो ऑल्सो अब देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं ठीक है थीके? तो जब वही है ना कि मैंने आपको अभी तक ये सारी चीज़ें इसीलिए करवाई सो दैट आप अभी इस स्टेज में आके आप आंसर करो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है चलो तो अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या होगा पहला सही आपका दूसरा भी सही है ठीक है और ये कौन से फाइव ईयर प्लान में आया था जो आपका थर्ड फाइव ईयर प्लान आया था उसमें और एच की अगर यहाँ पर बात करें तो इट स्टैंड फॉर हाई ईल्डिंग वराइटी ठीक है इट स्टैंड फॉर हाई ईल्डिंग वराइटी जो सीड्स हैं इट मेड अ ग्रीन रेवोल्यूशन अ सक्सेस एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैटल वॉज ऑल्सो वन ऑल्सो वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैटल ये कोई नहीं था ग्रीन रेवोल्यूशन का ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर होगा ओनली वन एंड टू एच वाई वी सीड्स का यूज करना दैट इज हाई वराइटी सीड्स मतलब कि जो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल के देंगी पार्ट ऑफ लैंड से और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दूसरा कंपोनेंट वो था मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब जैसे tube wells है जैसे ट्यूब वगैरह यानी कि अच्छी मशीन्स का यूज़ करना सो दैट अगेन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और हमने क्या पढ़ा था टर्म किसने दिया था विलियम गॉड ने दिया था ठीक है गॉड से अच्छा ये बताइए कि इंडिया में गॉड प्रोविंस कहाँ पे लोकेटेड थी जिसको कि हर्षवर्धन ने गॉड प्रोविंस के मतलब गॉड के राजा शशांक को हराया था बताइए कहाँ पे बैठे तो विलियम गॉड ने टर्म कॉइन किया था ग्रीन रेवोल्यूशन इसके फादर नॉर्मन बॉलो हैं इंडिया में, में स्वामीनाथन है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था यह कहाँ पे मेक्सिको एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में इंडिया में दो फेजेज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया गया पहले फ़ेज़ में इसको आंध्रा एंड जो पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है रीजन है वेस्टर्न यूपी वाला यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया ठीक है क्योंकि यहीं के लोग जो है इतनी जो मशीनरी है और जो हाई इल्डिंग वाइटी सीट्स हैं सी बात है अगर ये हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड्स हैं यानी कि अच्छी उत्पादन दे रही हैं तो महंगी भी होंगी तो ये खरीदने की जो शक्ति थी उस समय पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास ही थी अगर मैं यहाँ पे बात करें गॉड प्रोविंस ये बंगाल वाला जो रीजन है यहाँ पे लोकेटेड थी ठीक है द टर्म ड्रिबल इज जनरली एसोसिएटेड विथ तो जो ड्रिबल टर्म है ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है क्रिकेट बेसबॉल बास्केटबॉल या फिर टेनिस जल्दी से बताइए किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से एसोसिएटेड है तो यहां पे अगर सही आंसर की बात करें भाई क्रिकेट में तो ड्रिबल जैसा कुछ होता नहीं है ठीक है बेसबॉल में भी अगर मैं बात करूं बेसबॉल में किस तरह के कि आपको टर्म्स देखने को मिलते हैं जैसे पिंचिंग होता है कि यहां पर टर्म ठीक है होम रन होता है होम रन बेस रनर होता है ठीक है बेस रनर ये सारे टर्म्स होते हैं बेस बॉल में ठीक है ड्रिबल का मतलब होता है एक तरह से आप बोल सकते हो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसको आगे फॉरवर्ड करना दैट इज काइंड ऑफ ड्रिबल बास्केटबॉल में अगर इसमें जरा नंबर ऑफ प्लेयर्स बताइए कितने होते हैं तो बास्केटबॉल में अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जैसे फ्री थ्रो कॉमन फाउल अंडर हेड ओवर हेड ठीक है अंडर हेड ओवर हेड ड्रिबल ये सब एसोसिएटेड हैं बास्केटबॉल से बास्केटबॉल में अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो कितने होते हैं इसमें होते हैं पांच वॉलीबॉल में कितने होते हैं छ हैंडबॉल और नेटबॉल में सात बेसबॉल में नौ ये सब हमने पढ़े थे और आपको पता है हम लोगों ने कैसे पढ़े थे इनको ठीक है आगे बढ़ा जाए और टेनिस में अगर बात करें तो टेनिस में कौन कौन से टर्म्स होते हैं तो टेनिस में आपका जैसे अम, सर्विस होता ही है ठीक है सर्विस आप टेबल टेनिस में भी होती है सर्विस आपका बैडमिंटन में भी होती है ठीक है तो में भी होती है सर्विस जो आप पहला बार मारते हो दैट इज कॉल्ड सर्विस उसमें ठीक है ड्यूस ड्यूस क्या होता है ड्यूस जब एक तरह से टाई हो जाता है तो उसको ड्यूस बोलते हैं ठीक है स्मैश और अच्छा ये बताइए टेनिस से याद आया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था और जो यहाँ पे सी पी ओ और एस एस सी जे ई और सेलेक्शन पोस्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट होगा आपका आ, कुछ दिनों में ठीक है आई थिंक अभी जो अपकमिंग संडे है उसमें ठीक है एंड सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग करने वाले मार्च के पूरे करंट अफेयर्स ठीक है मार्च महीने के पूरे करंट अफेयर करेंगे और उसी फॉर्मेट में करेंगे जैसे जनवरी वाले में किए थे वो वाला भी आपको वीडियो मिलेगा जैसे फेबररी वाला मिला था मंथ में यानी कि पूरा वो एडि एडिटिंग फॉर्मेट में है ना सो दैट आपका क्विक रिविजन हो जाए बाकी हम उस फॉर्मैट में भी करेंगे जैसे जनवरी वाले में किए थे सो so दैट वहां पर मैं आपको उन चीज़ों से लिंकड जो स्टैटिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो थोड़ा सा कवर नहीं हो पाती हूँ एडिटिंग वाले में तो वो मेन पर्पज़ है कि भाई वो एक तो सेक्शन वाइज रहेगा इस बार जैसे अवार्ड स्पोर्ट्स ठीक है जैसे आप देखते हो नेशनल न्यूज़ वो रहेगा एंड हम लोग स्टैटिक को लिंक करके उसको पढ़ेंगे तो मोस्ट रेवली सैटरडे को होगा सैटरडे का नहीं होगा तो संडे को बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो सैटरडे को ही जिस दिन यह क्लास शेड्यूल्ड है उसी दिन यह क्लास हो ठीक है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था जैनिक सिनर ने जीता था जो इटली के प्लेयर हैं एंड अगर हम बात करें एराना सबे लंका ने जीता था जो बेलारूस के प्लेयर हैं विमेन की कैटेगरी में और डबल्स में किसने जीता था रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन में एबडन ने और अभी अगर आपको याद हो कार्लोस अलकर ठीक है कार्लोस अल्कराज ने जीता है क्या इंडियन वेल्स का टाइटल ठीक है इंडियन वेल्स का टाइटल जीता है डैनियल मेडविडेव कोरा के इंचोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वॉज दी असेंबली इन दी विलेजेस अच्छा ये बताइए एक और क्वेश्चन uh, का आंसर हाफ जो नेल्सन ये टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वॉज असेंबली इन द विलेजेस विच वर इनहेबिटेड प्रीडोमली ब्राह्मणास चोला एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो असेंबली को हम किस नाम से जानते थे और सभा खिल्ला या फिर नगरम तो चोला में जाना जाता था असेंबली की बात हो रही है एक प्रोविंस की नहीं प्रोविंस को तो हम तो नाडू के नाम से जानते थे नाडू प्रोविंस होती थी यहाँ पे दो तरह की असेंबलीज होती थी एक तो कॉमन पीपल की जिसको कि हम उर् के नाम से जानते थे और जो लर्नेड या फिर जो ब्राह्मण लोग की होती थी उसको सभा बोलते थे जैसे कि अर्ली वैदिक के टाइम पे भी दो तरह की असेंबलीज हुआ करती थी सभा और समिति सभा वाज़ काइंड ऑफ जो कॉमन लोग होते थे कॉमन पीपल की सभा होती थी नहीं ये होती थी लर्नेड ब्राह्मण्स की जो सभा का मतलब यहाँ पे है वही सभा का मतलब अर्ली वैदिक है था जो समिति थी वो थी आपकी कॉमन पीपल की असेंबली अब चोला एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या क्या पढ़ना होता है यहाँ पे जो डिफरेंट तरह के लैंड डोनेशंस होते हैं वो पढ़ने होते हैं तो अब लिखने के तो अयोग जरूरत है नहीं है ना शालभोग ऐसे शालभोग ऐसे स्कूल को जो डोनेशन दिया था यानी कि लैंड डोनेशन की बात हो रही है पल्ली छंगम जैंस को देवदाना देवदान टेम्पल्स देवदान, को ब्रह्मदेय ब्राह्मण्स को फाउंडर कौन था विजय चोला था विजयालय चोला जी थे हमारे ठीक है कावेरी डेल्टा में इन्होंने अपनी कैपिटल उराय स्टैब्लिश करी थी देन राजेंद्र वन ने कैपिटल शिफ्ट करी थी थी उन्होंने क्या किया थी गंगाईकोंडा चोलापुरम करी थी बिकॉज ये गंगा नदी को क्रॉस करके दो बंगाल के रूलर्स को हरा के आए थे वहीं से इन्होंने टाइटल एक्वायर किया था गंगाईकोंडा चोला और सिटी डेवलप करी थी गंगाईकोंडा चोलापुरम जहाँ पर इन्होंने टेम्पल भी डेवलप किया था बृहदेश्वर टेम्पल है ना एक बृहदेश्वर आपका राजा राजा वन ने किया था जिसको राज राजेश्वर के नाम से भी जानते हैं वो आपका किया था तंजौर में और ये किया था गंगाई को छोलापुर में राजेंद्र वन ने जिनको नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया की भी पदवी मिली हुई है ठीक है तो फाउंडर कौन थे एंड लैंड डोनेशंस और दो तरह की जो असेंबलीज हैं ये हमने पढ़ ली हैं अब बढ़ते हैं आगे बाकी तो और भी जैसे कि अगर हम बात करें चोला का सिंबल क्या था सिंबल क्या हुआ करता था इन लोगों का तो सिंबल होता था टाइगर तो तीन हमारे थे ना यहाँ पे चेरा था ये चेरा था ये पांड्या था और ये चोला था है ना चेरा पांड्या चोला तो चेरा की अगर बात करें तो कैपिटल वंजी थी वंजी कैपिटल थी पांड्या की मदुरई थी पांड्या की मदुरई थी और चोला की उरायूर और बाद में कोटा चोलापुरम रही ठीक है इनकी पांड्या की अगर बात करें तो फिश इनका सिंबल था चेरा की अगर बात करें तो बो एंड एरो इनका सिंबल था धनुष बाण और चोला का हमने देख लिया टाइगर था ठीक है आगे बढ़ते हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि तीन संगम हमारे ऑर्गेनाइज हुए थे उसमें जो दूसरा संगम था उसमें क्या बना था उसमें कौन सा थे? टेक्स्ट तमिल टेक्स्ट तोलका पीएम ठीक है तोलका पीएम अच्छा एक तेल तेलुगु टेक्स्ट का नाम बताइए जिसको कि कृष्ण देव दैट इज के डी आर ने लिखा था हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट्स ऑफ द सल्तनत पीरियड इन इंडिया पॉपुलराइज कवाली अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक विच डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कॉल मीनिंग टू स्पीक तो ये जो एक तरह से हम बोल सकते हैं किसको फादर ऑफ कवाली के नाम से जाना जाता है बिल्कुल सही है हाँ जी अंकिता प्राची शिवांगी सलगू दरोगा अंजलि आदित्य अंकिता प्रगति बिल्कुल सबका सही है लड़के लोगों के आंसर क्यों नहीं आते भाई <laughs> ठीक है और सेशन को लाइक वाइक भी कर दो अगर मानो तो तो कवाली की अगर बात करें तो किसको बोलते हैं ये आमिर खुसरो को बोलते हैं इसी ने इन्होंने ही कवाली जो है कंपोज़ की थी किसके टाइम पे किस रूलर के टाइम पे किस दिल्ली सल्तनत के रूलर के टाइम पे ये थे तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है और अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने टाइटल दिया था सिकंदर आजम का ठीक है सिकंदर आजम का तो फिर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने खुश होकर इनको टाइटल दे डाला आमिर खुसरो को क्या इसको टाइटल दिया तूते हिंद का दैट इज़ पैरट ऑफ इंडिया ठीक है तूते हिंद पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल दिया अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर खुसरो को ठीक है जिन्होंने की कवाली कंपोज की थी अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी को तो हम किस लिए जानते हैं तो तीन तरह के टैक्स लाए थे ये घरई चरई और जजिया घरई वाज हाउस टैक्स चरई वाज पेस्टल टैक्स एंड जजिया वाज द टैक्स इंप्लीमेंटेड ऑन दी नॉन नॉन मुस्लिम्स और अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है अपने मार्केट रिफॉर्म्स के लिए ठीक है जैसे इसने एक क्लॉथ मार्केट सेटअप किया जिसको हम किस नाम से जानते हैं सराय आदिल सराय आदिल के नाम से जानते हैं ये हमारी क्लॉथ मार्केट है ऐसे इसने ग्रेन मार्केट सेटअप की और इन सारे मार्केट को रेगुलेट करने के लिए शहनाए मंडी जो कि ग्रेन मार्केट होती थी उसको रेगुलेट करने के लिए शहनाए मंडी एक यहाँ पे ऑफिसर अपॉइंट किया ठीक है जो कि ये देखेगा कि जो उसने रिफॉर्म्स लाए हैं क्या वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं या फिर नहीं अलाउद्दीन खिलजी को हम जानते हैं किस लिए इसको जानते हैं हम इसका जो मिलिट्री कमांडर था मलिक काफूर जिसको कि हज़ार दिनारी के नाम से जाना जाता है इसको बिकॉज उसने उसको हज़ार दिनार दे के ख़रीदा था गुजरात से जब उसने गुजरात में एक्सपेडिशन लीड किया था तो उसने उसके लिए साउथ इंडिया में बहुत सारे एक्सपीडिशनस को कैरी ऑन की कैरी आउट किया था मलिक काफूर ने जिसका मिलिट्री कमांडर था वो हुआ ऑजा इनक और अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने और भी कई जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने मूवी देखी है ना पदमावथ जिसमें कि दिखाया गया कि किस तरह से जो चित्तौड़ प्रोविंस है उसमें अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने ठीक है उसमें थी थोड़ा चीज़ों को इन्फेट करके थोड़ा सा उस तरह से भी दिखाया गया है क्योंकि जो एक्चुअल में पद्मावत जो मूवी बनी है वो किस पे बनी है पद्मावत जो लिखी थी किसने मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी और ये किस पे बेस थी पदमावती जो राजा रतन सिंह की वाइफ थी ठीक थी? है तो उस पर बेस थी एंड अलाउद्दीन खिलजी ने अला, दरवाज़ा बनाया कहाँ पे? ये कुतुब मीनार के पास में इट इज़ अ काइंड ऑफ एंट्रेंस गेट वे टू दी कुतुब मीनार और अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था दाग मतलब जहाँ पे हॉर्सेस की ब्रांडिंग की जाती थी ठप्पा लगाया जाता था चेहरा एक तरह से जिसको होलिया सिस्टम भी बोलते हैं इसको एक तरह से जो सिपाही होते थे उनको हुलिया अपना एक तरह से आधार कार्ड लटका के रखना होता था सो दैट डबल काउंटिंग ना हो जाए ठीक है आगे बढ़ें अभी हाँ तो आगे बढ़ते हैं विच आर द फॉलोइंग राइट्स फॉर बिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स निम्निखित में से कौन सा अधिकार चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से रोकता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ राइट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन राइट टू फ्रीडम या फिर राइट टू इक्वालिटी रानी पदमावती इतनी सुंदर थी अच्छा देखे थे तुम हाँ सिरी फोर्ट बिल्कुल विकास सही है जी तो अगर हम बात करें बिल्कुल सबका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा राइट अगेंस्ट एक्सपर्टेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें हमारे दो आर्टिकल्स आते हैं तेईस और चौबीस ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री किसकी बात करता है ये प्रोहिबिट करता है निषेध करता है किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है ये जो बेगारी होती है बेगारी मतलब होता है कि जबरन किसी से मजदूरी करवाना या फिर मजदूरी करवा के पैसे ना देना जितना उसको देने चाहिए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेगारी इन सब को रोकता है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर की अगर बात करें तो ये प्रोहिबिट करता है तो एक तरह से यहाँ पे आप देखिए की वर्ड प्रोहिबिट 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 का मतलब मना करना तो इनको हम पता है क्या बोलते हैं इनको हम नेगेटिव राइट्स बोलते हैं नेगेटिव राइट नेगेटिव फंडामेंटल राइट जैसे कि आर्टिकल 15 भी आपका एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड्स बेस ऑन रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ नॉट जहाँ पर लगता है प्रोहिबिट की मना किया जाता है स्टेट को कुछ करने से दैट इज अ नेगेटिव फंडामेंटल राइट ठीक है जहाँ कुछ करने बोला जाता है दैट इज पॉजिटिव फंडामेंटल राइट तो यहाँ पे आर्टिकल ट्वेंटी फ़ोर बोलता है क्या कि बच्चों से यानी एक तरह से बाल मज़दूरी को प्रिवेंट करता है यानी कि चिल चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट ठीक है इसको प्रोहिबिट करता है लेकिन किसको हु आर बिलो द एज ऑफ फोर्टीन है जिनकी जिन बच्चों की उम्र चौदह साल से कम है और वो भी जो चौदह साल से कम है वो भी नॉन हजारडस वर्क जो काम होते हैं उनमें काम कर सकते हैं नॉन हज़ारडस का मतलब एंड दैट टू बी नॉन स्कूल आवर्स जब स्कूल नहीं चल रहे होंगे जैसे कि पर्ची की दुकान में आपने देखा होगा तो ये हज़ारडस वर्क नहीं होता है लेकिन स्कूल आवर्स में आप नहीं वो कर सकते नॉन स्कूल आवर्स में ठीक है और चौदह से ऊपर तो कहीं कभी कहीं पर भी हो सकते हैं बिकॉज आपको पता है कि सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स का एज हमने रखा हुआ है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए के तहत फंडामेंटल राइट एज अ राइट टू एजुकेशन राइट टू प्राइमरी एजुकेशन छः से चौदह साल तक के बच्चों को उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट कर सकता है लेकिन उससे नीचे वाले हजार्डस वर्कस में और नॉन स्कूल आवर्स में काम नहीं कर सकते तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे सही आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो इसमें किसका उपचार किया जाता है वही किसी के भी एकर, अगर एफ अगर वॉलेट होता है किसी का मौलिक अधिकार अगर वॉलेशन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 जिसको कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था अम्बेडकर जी ने संविधान के हृदय आत्मा उसको एक्चुअल में जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट पांच तरह के रिट्स इशू करेगा एबिसकॉप मैनम्स प्रोइबिशन तो जिसके तहत आपको इसमें उपचार दिया जाएगा है ना ये देख चुके हैं राइट टू तो फ्रीडम की अगर हम बात करेंगे तो राइट टू तो फ्रीडम आर्टिकल नंबर नाइनटीन से लेके 22 तक के बीच में दिया हुआ है जिसमें 19 राइट टू तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है इसमें टोटल छः तरह के राइट्स दिए हुए हैं जिसको कि हम कैसे याद करते हैं जिसको कि हम सामरो करके याद करते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन अम्बल पीसफुली विदाउट आम राइट टू फॉर्म एसोसिएशन राइट टू मूवमेंट राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड राइट टू फ्री ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन तो ये छह तरह के हमारे राइट हैं जिनको कि हम सामरों से याद रखते हैं राइट टू इक्वाली यानी सम्मानता के अधिकार की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर फोर्टीन से लेकर एट्टीन में दिया हुआ है फोर्टीन में क्या दिया हुआ है फोर्टीन में दिया हुआ राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज फिफ्टीन में वही है कि प्रोहिबिट किया है डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बोथ सिक्सटीन में अगर बात करें तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो लोक नियोजन के अवसर में समानता होनी चाहिए सेवनटीन अस्पृष्टता के उन्मूलन की बात करता है यानी कि एबोलूशन ऑफ अनटचलिटी की बात करता है एटीन टाइटल नहीं ले। स्टेट दे सकता है किसी को ठीक है नाइनटीन हमने देख ही लिया वो तो खैर अभी हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ लें तो चार ही राइट्स इसमें सारी पाँच राइट आते हैं राइट टू इक्वालिटी के तहत ये भी क्वेश्चन आ चुका है कितने आते हैं ठीक है और फिफ्टीन का सब मतलब फिफ्टी है क्लास वन बोलता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता स्टेट क्लास टू क्या बोलता है क्लास टू बोलता है कि भाई पब्लिक जैसे कि हमारे पब्लिक प्लेसेज होते हैं जैसे रेस्टोरेंट वेल्स पार्थिंग हार्ट्स ठीक है सिनेमा हॉल्स तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ थर्ड बोलता है कि भाई आप विमेन और चिल्ड्रन को फेवर कर सकते हैं उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं ट्रीट किया जाएगा फोर्थ बोलता है कि आप बैकवर्ड जो क्लासेस होते हैं जैसे कि एस सी उनको फेवर कर सकते हो वो आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा इसी तरह आर्टिकल नंबर सिक्सटीन में भी एक्सेप्शन मैंशनड हैं फॉल्स स्टेटमेंट को चूज़ करना है जोग्रफी से क्वेश्चन है रॉक से एसोसिएटेड क्वेश्चन है जल्दी से अच्छा ये बताइए रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं रॉक की एज को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं जल्दी से और यहाँ पे आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा गलत है निट्टो के बाद थर्ड सीरीज़ है सर ये मैं न्यू स्टूडेंट हूँ हाँ जी सनातनी छात्र सर आपका कोई वी ओ डी बैच नहीं क्या जीके का फुल जाट जी अभी एस एस सी जी के बैच टू पॉइंट ओ चल रहा है ठीक है वी ओ डी समझ लीजिए उसको क्योंकि सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं एक्सेप्ट केमिस्ट्री एंड स्ट्रेटेजी के पेट्रोलॉजी बोलते पिल ये कौन लॉजी भाई निकाल लिए नहीं पिलेंथोलॉजी पेट्रोलॉजी होता है भाई पिलियंटोलॉजी फॉजिल्स के अध्ययन को बोलते हैं तुम कहाँ से पिलंथोलॉजी निकाल के लाए उन्हें हाँ सही है कार्बन डेटिंग से एज निकालते हैं इसकी और रॉक स्टडी को पेट्रोलॉजी बोलते हैं अब देखिए रॉक बनती कैसे है तो अब सब एकदम हो चुका है ठीक है विजुलाइज़ करिए कि भाई किस तरह से हमने पढ़ा था कि अर्थ की तीन लेयर्स होती हैं क्रस्ट मैंटल कोर इसमें जो मैंटल होता है इसके अपर एक तो बिल्कुल अपर पार पार्ट सॉलिड होता है उसके जोस नीचे यहाँ पर सेमी मोल्टेन फॉर्म में फिर सेमी सॉलिड हमें देखने को मिलता है एस्थिनॉस्फियर यही सोर्स होता है हमारा इसी से बनती है रॉक कैसे बनती रॉक अब यहाँ से निकलेगी ये ये जो है कोई क्रैक होगा क्रैक से बाहर निकलेगी जब बाहर निकलेगी तो सबसे पहले जो हमारी रॉक बनेगी वो बनेगी आग्ने या चट्टान इग्नियस रॉक यानी कि ये डायरेक्टली सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा से बनती है डायरेक्ट किससे बनती सॉलिडिफिकेशन से जैसे मैग्मा अंदर है तो मैग्मा बाहर निकला तो लावा जैसे वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान अब ये आग्नेय चट्टान में अगर हम इसमें काफ़ी सारे एक्सोजेनस एजेंट्स हुआ करते हैं जैसे विंड वाटर ग्लेशियर मतलब इसको तोड़ देते हैं तो ये कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे इसके जो अवसाद हैं इसके जो सेडिमेंट्स हैं डिपॉजिट हो जाएंगे अब वो जो अवसाद हैं वो क्या होंगे आपस में वो जुड़ जाएंगे इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं लिथीफैक्शन ठीक है और इससे बनेगी कौन सी रॉक हमारी इससे बनेगी हमारी रॉक सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो ये अगर आपसे पूछ ले कौन सी रॉक लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो आंसर होगा अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक क्योंकि ये लेयर्स के फॉर्म में यूज़ कर रही है तो बीच में आपको फॉजिल्स भी यानी जीवाश्म में भी देखने को मिल जाएंगे तो इसीलिए इस रॉक में आपको फॉजिल्स भी देखने को मिलेंगे अब इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक में हम पी वी टी चेंजेस कर दें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंजेस कर दें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें वॉल्यूम चेंज कर दें टेम्परेचर तो ये रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान बदल जाएगी दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह की रॉक से एसोसिएटेड हमारे दो टर्म्स होते हैं पता होना चाहिए लीनिएशन जिसको कि फोलिएशन भी दे बोल देते हैं जिसमें कि रॉक में लाइन लाइन सी देखने को मिलती है एंड दूसरा है बैंडिंग जहाँ पे आपको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स देखने को मिलते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इग्नियस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं सेडिमेंट्री के एंड मेटामोफिक के तो इग्नियस के अगर हम बात करें तो कैसे याद किया था हम लोगों ने गब्रू ग्रेनाइट बसाल्ट पीमाई सेडिमेंट्री में अगर हम बात करें तो लाइम स्टोन सैंडस्टोन कोल ठीक है लाइम स्टोन सैंडस्टोन स्लेट कोल ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री के मेटामॉर्फिक की अगर बात करें मार्बल क्वाड्जाइट क्वाड्स नहीं क्वाडजाइट ठीक है चेस्ट ठीक है ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं ये एग्जाम्पल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक के क्लियर इतनी चीज़ तो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मड बाई द डिपोजिशन एंड सब्सिकुंट सीमेंटेशन ऑफ दैट मेटल विद इन द बॉडीज बिल्कुल इसी को बोलते हैं लिटिफैक्शन बैकॉल रॉक चलो रुक जाओ अभी इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड थ्रू दूलिंग एंड सोलिफिकेशन ऑफ द मैगम लावा सही है मेटामॉर्फिक रॉक में भी फॉर्म्ड सिंपली बाई बी बाई बींग डीप बिनीथ द अर्थ सर्फेस टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बिल्कुल सही है तो ये आपका ऑड वन आउट आप कर सकते हैं बैकाल रॉकस आर फॉर्म फ्रॉम गलत है अगला क्वेश्चन है हु अमंग बहमानी सुल्तान और स्टडी ऑफ फॉजिल्स को क्या बोलते हैं बिलियनटोलॉजी बोलते हैं ठीक है क्लियर गोमंग दी फॉलोइंग बहमानी सुल्तान वॉज नोटेड फॉर क्रूएलिटी एंड हेंस गॉड द टाइटल एज िम और आप लोग भी कॉमेंट में ऐड करते रहिए मैं खुद को जैसे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप जो कर सकते हैं जैसे कि फॉर एक्जाम्पल मैंने आपको प्लूटॉनिक रॉक जो अंदर ही अंदर रॉक बन जाते हैं उसको प्लूटॉनिक रॉक बोलते हैं ये बताया था मैंने आपको ठीक है कार्ड चपो कार्ड्स चपोग्राफी को आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं चलिए सर वो बह तो बोटे में वीडियो है उसमें कंप्लीट हो गया कोर्स हाँ जी कंप्लीट हो गया उसमें कोर्स <laughs> चलो तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या होगा हु अमंग द फॉलोइंग भवानी सुल्तान वॉज नोटेड फॉर क्रूअलिटी एंड हैंस गॉट द टाइटल ऑफ जालिम तो भाई जालिम का टाइटल किसको मिला मतलब बहुत ही क्रू क्रूअल था जालिम था ये था हुमायूं अब ये हुमायूं वो हुमायूं नहीं है जो आप समझ रहे हैं यानी कि ये आपका हुमायूं बाबर का बेटा वाला हुमायूं नहीं है ये अलाउद्दीन हुमायूं शाह इसका नाम था जो कि बहमानी सुल्तान था एक अब बहमानी किंगडम जो है अगर आपको याद हो तो यहाँ पे तुंग भद्रा रिवर थी यहाँ पे कृष्णा रिवर थी यहाँ पे तुंग भद्रा रिवर थी यहाँ पे नीचे था विजयनगर किंगडम यहाँ पे हमने पढ़ा था बहमानी सुल्तान के बारे में ठीक है या फिर बहमानी किंगडम जिसको फाउंड किया था 1346 फोर्टी में तेरह सौ ईस्वी में किसने थर्टीन फोटी में फाउंड किया था अलाउद्दीन बहमान शाह ने ठीक है अलाउद्दीन बहमान शाह ने इसको फाउंड किया था 1346 फोर्टी में एंड ये बाद में जाके डिसइंटीग्रेट हो गया था फर्दर पांच डिफरेंट छोटी छोटे डायनेस्टीज में और वो कौन कौन से हमारे छोटे छोटे किंगडम्स थे बिरार था बिदर था अहमदनगर था बीजापुर था एंड गोलकोंडा था ज़रा ये बताइए बीजापुर और गोलकोंडा जो हमारे दो इंपॉर्टेंट ये थे इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल कर रही थी और किसने कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर किसने गुलबर्ग से बिदर को कैपिटल शिफ्ट किया था किसने किया था ये आपको बताना है एंड अगर हम बात करें बीजापुर में तो ये आपकी जो आदिल शाही डेनेसटी है वो यहाँ पे रूल कर रही थी एंड गोलकोंडा में रूल कर रही थी कुतुब शाही डेनेसटी इसी के रूलर थे कुतुब शाह जिन्होंने आपका चार मीनार बनवाया था हैदराबाद में ठीक अगला क्वेश्चन है और ये बताइए कि कब या आई थिंक मैंने कल क्विज में क्वेश्चन भी करवाया था कि बीजापुर को अलाउ जो औरंगजेब था उसने एक्वायर किया था उसने अपने किंगडम में मिला लिया था उस चीज़ को द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सेज इज कॉल्ड एज़ इसको क्या बोलते हैं आदिल शाह आदिल शाह सही है कुतुब शाह हसन गंगू के नाम से भी जानते थे अलाउद्दीन बेहान शाह को बिल्कुल सही है ठीक सब सभी का सही है हाँ चलिए तो अगर हम बात करें द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड लैस तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं पावर नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं इसको टॉर्क बोलेंगे टॉर्क एक फोर्स होता है जो कि कॉज करता है एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस जैसे ये है एक्सिस जैसे कि आप हम लोग बॉटल का कैप ओपन करते हैं ढक्कन खोलते हैं तो उसमें हम टॉर्क अप्लाई करते हैं ठीक है टॉर्क अप्लाई करते हैं उसको एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें तो इसका फॉर्मुला होता है एम आर स्क्वा एम आर स्क्वायर ठीक है ये मास है और वो उसकी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सिस से कितना डिस्टेंस है उसका दैट इज कॉल्ड एज ये आपका आर ये किस तरह की क्वांटिटी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर या फिर वेक्टर बताइए तो ये आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होगी दैट इज अध राशि होगी क्यों क्योंकि मास भी आपका स्केलर होता है एंड जो आपकी डिस्टेंस है वो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट जो होती है विस्थापन वो वेक्टर क्वांटिटी होती है लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है पावर से आप रिकॉल कर सकते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? पावर के दो तीन फॉमुले होते हैं तो अब तो होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम और अगर फोर्स के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो फोर्स इंटू वेलास्टिविस फॉर्मुला होता है पावर की ईसाई SI यूनिट होती है वॉट ठीक है हॉर्स पावर एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं तो सेवन वॉट होते हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन ऑन अर्थ फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ हिस्ट्री पृथ्वी के इतिहास के कितने प्रतिशत भाग में जीवित जीव पृथ्वी पर रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म 60%, परसेंट फोर्टी परसेंट एटी परसेंट या फिर 20%। परसेंट तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें कितने मतलब सालों से जब से अर्थ अब अर्थ की अगर हम बात करें अर्थ की हिस्ट्री की तो जरा बताइए अर्थ की एज कितनी है मतलब कितने साल पुरानी अर्थ है कब इसका ओरिजिन हुआ था अर्थ की अगर हम बात करें तो जल्दी से तो हमने ये देखा भी था और ये क्वेश्चन भी आया था सीजियल मेंस में आपका 4.5 बिलियन ईयर्स है लेकिन ऐसे तुरंत ही तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो नहीं गई थी सबसे पहले बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ इन दी फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट हुई देन प्लांट्स देन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉग ये सब आए उसके बाद कहीं लास्ट में जाके ह्यूमस आए जैसे अगर हम ये बात करें तो ये चीज़ ध्यान रखना ये बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आपको चार्ट दिख रहा है बट इसमें यह ध्यान रखना जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक दिन है दिन से मिलके हफ्ता बनता है हफ्तों से मिलके महीना बनता है महीनों से मिलके साल बनता है फिर ऐसे डेकेड बनता है दस साल बनता है ठीक है तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि सबसे जो चो छोटा होता है आपका अपॉक होता है अपॉक मिल पीरियड बनते हैं देन एरा देन ईन यानी कि हम बोल सकते हैं इॉन सबसे बड़ा होता है ये क्या है ईन एरा पीरियड अपॉक तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जब हमारी अर्थ बनी उससे आज तक के पीरियड को हम डिवाइड करते हैं ठीक है सबसे पहले ईन मतलब हमारे चार हेडन आकियन प्रोटोजोइक और फेनरोजोइक ये हमारे चार ईन्स हैं फिर इनको हम हर ईन को डिफरेंट एरा में डि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एरा को डिफरेंट पीरियड्स में बांटते हैं हर पीरियड को डिफरेंट अपॉक्स में बांटते हैं इतनी चीज पता होनी चाहिए आपको तो यून सबसे बड़ा होता है देन एरा देन पीरियड देन सबसे छोटा एपॉक जैसे अगर अभी हम बात करें तो अभी होलो सीन चल रहा है अभी होलो सीन चल रहा है ह्यूमन सबसे पहले अर्ली ह्यूमस प्लायो सीन में आए थे देन आपके जो होमोसेपियंस हैं जिनसे हम लोग मतलब एक तरह से हमारे पूर्वज जब बोल सकते हैं होमोसेपियंस होमोसेपियंस वो प्लेस्टो सीन में आए थे और जो मॉडर्न ह्यूमस हैं वो अभी होलो सीन जो अभी प्रेजेंट चल रहा है होलो सीन बोलते हैं ठीक है तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है तो कब से लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए तो आप ये मान यानी कि अर्थ की जितने भी हिस्ट्री है 4.5 बिलियन ईयर्स से उसमें शुरू के 20 परसेंट के जो साल थे उनमें कोई लाइफ नहीं थी उसके बाद ही लाइफ ओरिजिनेट हुई बाकी के एट्टी परसेंट में ठीक है अगला अकॉर्डिंग टू द ऑफ इंडिया ट्वेंटी इलेवन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ दी हाइस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन मतलब परसेंटेज के टर्म्स में हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है किस राज्य में तो 2011 थाउजेंड इलेवन की सेंसस की अगर बात करें तो सारे आपके रिलीजियस ग्रुप्स की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए इन एज अ मैटर ऑफ परसेंटेज टू थाउजेंड इलेवन के सेंसस के अकॉर्डिंग बाकी हमें सारे रटने की जरूरत नहीं है, हम रट भी नहीं पाएंगे सारे हिंदुज़म की अगर बात करें हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा सेवेंटी नाइन पॉइंट एट इस्लाम धर्म की अगर बात करें मुस्लिम रिलीजन की तो पॉइंट टू थ्री परसेंट क्रिस्चानिटी 2.3 पॉइंट थ्री परसेंट सिखिज़म वन पॉइंट बुद्धिज़्म जीरो पॉइंट सेवन ठीक है ये आपको याद होना चाहिए खासकर बुद्धिज़् एंड जानिज़्म के क्योंकि काफ़ी कम मात्रा में तो इसलिए आपसे पूछ लेता है ठीक है अब हिंदुज़म पॉपुलेशन की अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज तो ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर कर बात करें एप्सल्यूट नंबर में तो वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ध्यान रखना ठीक है अगर हम जैन पॉपुलेशन की बात करें कि जैन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी तो ये आपको मिलेगी महाराष्ट्र में ठीक है अगर जब हम बात कर लें जैन पॉपुलेशन की वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर महाराष्ट्र में ठीक है ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन किस कंट्री में है तो उसका आंसर क्या होगा बताइए कॉमेंट में जल्दी से तो ये थोड़ा सा प, परसेंटेज आप याद रखिएगा ठीक है द वैदिक आर लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सफ सिंधु विच मींस एरिया ड्रेन्ड बाई सेवन रिवर्स वन ऑफ दी रिवर्स अमंग दी सेवन इज झेलम वॉट वॉज इट्स एंशियट नेम उसका पुराना नाम क्या था ठीक है तो हमें पता है कि जो हमारे इंडस रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता जर है जरा बताइए कॉमेंट में ये ले ये दामचौक नामक जगह है दामचौक इंडिया में या लद्दाख में वहाँ से एंटर करती है इंडिया में देन ले इसके बैंक्स पे सिचुएटेड है देन ये यहाँ पे एंटर कर जाती है पाकिस्तान में देन इसके कुछ हमारे नीचे ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलते हैं जैसे कि झेलम चनाब रावी ठीक है ब्यास सतलज इस तरह से हमें इसमें ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से मैंने डायग्राम बना रखा है गलत डायग्राम है बिल्कुल क्यों क्योंकि ये सब अलग अलग नहीं मिलती हैं ये एक्चुअल में एक साथ मिलती हैं जैसे ये मान लो कि यहाँ पे आपकी झेलम आई ठीक है फिर यहाँ से आपकी चेनाब आएगी ठीक है चनाब फिर यहाँ से न झेलम चनाब रावी आएगी ठीक है ब्यास आएगी ऐसे करके यहाँ से आपकी ब्यास निकल के आएगी और यहाँ से फिर आएगी आपकी सतलज एक्चुअली जो ब्यास है ना वो सतलज को मिल जाती है इंडिया में ही फिर ये इधर पे आपकी मीट करेंगी सब ठीक है ये आपकी मीट करती हैं ऐसे करके और उसके बाद ये मीट करती हैं पाँचों मिल के कहाँ पर मिठानकोट पाकिस्तान में इनको पाँचों को कलेक्टिवली बोलते हैं पंच नद और दो दो रिवर्स के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं दुआब बोलते हैं जैसे कि इंडस झेलम चनाब तो झेलम और चिनाब के बीच में जो दुआब होगा उसको छज दब बोलेंगे चिनाब और रावी के बीच में होगा रेचना द्वाब रावी और ब्यास के बीच में बिश बारी द्वाब होगा सतलज और ब्यास के बीच में होगा आपका बिष्ट द्वाब ठीक है तो ये द्वाब होता है दो रिवर्स के बीच के एरिया को बोलते हैं और ब्यास कहाँ पे मिलती सतलज को ब्यास सतलज को मिलती है ये आपका मिठान सॉरी ये आपका हरिके नामक जगह है पंजाब में वेटलैंड भी है हरी के वेटलैंड तो ये वहाँ पे मिलती है ऑलराइट तो यहाँ पे इनके पुराने नाम आपको पता होने चाहिए कि पुराने नाम क्या है और पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है तो इंडस की अगर हम बात करें तो ये भोखार चू ग्लेशियर है कैलाश मानसरोवर के पास भोखार चू ग्लेशियर वहाँ से निकलती है झेलम वेरीनाग से निकलती है और ये वूलर लेक में जाके गिरती है आपको पता होना चाहिए उसको अपना वाटर देती है और झेलम के बैंक्स पे श्रीनगर लोकेटेड है देन झेलम के बाद आ गई आपकी चिनाब जो कि बारा लाचला पास से निकलती है दे रावी एंड ब्यास जो दोनों हैं ये रोहतांग पास से निकलती हैं रोहतांग दर्रा ये आपकी बारा लाचला पास ठीक है रोहतांग बारा लाचला दोनों कहाँ पर हिमाचल में है रोहतांग कुल्लू को लाहौल स्पीति वाली से जोड़ता है और बारा लाचला लाहौल स्पीति को ले से जोड़ता है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ब्यास रिवर सतलज को यहाँ से आती है ठीक है ब्यास की अगर बात करें तो ये भी आपकी रोहतांग से निकल रही है एंड जो सतलज है वो कैलाश मानसरोवर के पास में यहाँ पे राकस लेक पड़ता है वहाँ से निकलती है और यहाँ पे शिपकिला पास है शिपकिला दर्रा हिमाचल में वहाँ से इंडिया में एंटर करती है इनके पुराने नाम की अगर बात करें तो रावी का है पुरुषनी रा, रा से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं मतलब कनेक्ट कर सकते हैं अस्किनी किसका है तो अस्किनी है आपका चेनाब का वितस्ता है झेलम का और विपाश है ब्यास का पूछा किसका है झेलम का पूछा है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सतलज का क्या जरा कॉमेंट में तो आप बताएंगे सतलज का एंशियड नेम डाइट फॉर एटलीस्ट थ्री मंथ्स लीडिंग टू स्किन प्रॉब्लम्स क्या होता है आपका रिकेट्स पिलाग्रा बेरी बेरी एंड जी सेव लद्दाख जी सबका सी रजनी शंकिता अमन चलो शतुद्री सबका सही है ठीक है अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है स्कर्वी होता है रिकट्स विटामिन डी पेलाग्रा किससे होता है कोई बताएगा पेलाग्रा इसको हम थ्री डी डिजीज भी बोलते हैं थ्री डी क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें तीन डी तीन डिजीजेज होती हैं जिनका नाम डी से स्टार्ट होता है एक तो डिमेंशिया विच इज़ अ लॉस ऑफ मेमोरी ठीक है डिमेंशिया उसको बोलते हैं जो कि स्टार्ट होती है किस डिजीज से अल्जाइमर की जो डिजीज़ होती है अल्जाइमर डिजीज़ ठीक है उससे स्टार्ट होती है आपकी ऐसी एक और डिजीज़ एसोसिएटेड है जिसको हम बोलते हैं अमनीजिया ठीक है तो डिमेंशिया हो गया डिप्थीरिया हो गया एंड डायरिया हो गया ये तीन डिजीज़ हो जाती हैं अगर आपको क्या हो गया अगर आपको विटामिन बी थ्री की डिफिशेंसी हो गई तो पेलेग्रा डिजीज़ बोलते हैं उसको बेरी बेरी वाइटमिन बी वन की डिजीज की कमी से होता है आपका ठीक है तो वाइटामिन बी के हमारे टोटल आठ कॉम्प्लेक्सेज होते हैं बी वन से लेकर बी बारह तक आठ कॉम्प्लेक्सेज होते हैं ये आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए थायमिन राइबोफ्लेविन नाइसिन इसी से आपका वो थ्री डी डिजीज़ होता है बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड बी सिक्स पिरोटॉक्सिन बी सेवन बायोटिन बी नाइन फोलिक एसिड और इसी को हम बी एलेवन भी बोल देते हैं ध्यान रखना है इस चीज़ को बी नाइन को बी इलेवन बोल देते हैं बी ट्वेल्व आपका होता है साइनो इज दैट क्लियर वाइटमिन की डिस्कवरी कैसमिर फंक ने करी थी वाटर सोल्यूबल वाइटमिन बी सी होते हैं फैट सोल्यूबल कीड़ा होते हैं दैट इज़ के ई डी ए वो हमारे फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील होते हैं ठीक है ये आपको पता होना चाहिए एंड वाइटमिन ए का साइंटिफिक केमिकल नेम क्या है इसका केमिकल नेम है रेटीनॉल क्योंकि रात में नहीं दिखता तो रेटिनॉल ऐसे याद कर सकते हैं जेरोपथालमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस इससे डिजीज होती है बी देख लिया सी देख लिया डी देख लिया और डी का सी का केमिकल नेम क्या एस्कॉर्बिक एसिड है एस्कॉर्बिक अम्ल है डी का अगर बात करें तो कैल्सीफेरॉल है ई का टोकोफेरॉल है के का फिलोक्यूनॉन है इससे एंटी स्टेरिलिटी होती है के से अगर बात करें तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो करता है ब्लड वाइटमिन डी से हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ऑस्टियो का मतलब होता है इट इज़ अ रूट वर्ड फॉर बोन यानी बोन हेल्थ खराब हो जाती है अगर वाइटमिन डी की कमी होगी तो जिस तरह वाइटमिन सी का एक प्रमुख स्रोत होता है मेन सोर्स होता है क्या खट्टे फल यानी कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसी तरह विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो क्या होता है सनलाइट होता है फिश ऑयल होता है ये इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं अगला क्वेश्चन है और अच्छा बताइए दूध में दैट इज मिल्क में कौन सा वाइटमिन नहीं होता है हु इज द बुक द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जर्नी द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लैक्शंस ऑन लाइफ जर्नी किसकी बुक है तो ये मोहम्मद अली जो बॉक्सर जो आपने नाम सुना होगा इनकी बुक है इनकी एक तरह से जीवनी है ये अगला क्वेश्चन है हु टेक्स दल्यूट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड एट ए न्यू डेली रिपब्लिक डे परेड में सैल्यूट कौन लेता है चीफ जस्टिस जी लेते हैं हाँ जी अंकिता साक्षी भूमिका विवेक रजनीश अंकिता सबका सही है सर आज तो नोटिफिकेशन ही आए क्लास का अच्छा तो रिपब्लिक डे परेड की अगर बात करें तो कौन सैल्यूट लेता है तो ये हमारे लेंगे प्रेसिडेंट जी ऑप्शन नंबर थर्ड और आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में अंतर क्या होता है तो इंडिपेंडेंस डे पे हमारा प्राइम मिनिस्टर जो होता है प्रधानमंत्री वो रेड फोर्ट में लाल किले में फ्लैग की रेजिंग करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और रिपब्लिक डे में दैट इज गणतंत्र दिवस में रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं बताइए कमेंट में प्रेसिडेंट क्या करते हैं प्रेस जो आपका ये कर्तव्य पथ है वहां पे कर्तव्य पथ जो पहले राजपथ होता था ठीक है तो यहां पे फ्लैग की अनफर्लिंग करते हैं ये ठीक है फ्लैग की अनफर्लिंग होती है राष्ट्रपति भवन के पास रेजिंग होती है यहाँ पे रेज होगा यहाँ पे अनफोल्डिंग होगी खुलेगा कौन करेगा प्रेसिडेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर करेगा ठीक है और रिपब्लिक डे की जो एंड होता है वो एक किस इवेंट से होती है एंडिंग जो होती है इसकी रिपब्लिक डे की अगर बात करें तो हम ट्वेंटी सिक्स जैन को करते हैं मनाते हैं इस बार चीफ गेस्ट कौन थे तो ये हम कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन हमारा लागू हुआ था छब्बीस जनवरी उन्नीस को इसलिए हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं रिपब्लिक डे की अगर बात करें तो इस खत्म होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से जो तो कि कर्तव्य पथ में ऑर्गेनाइज की जाती है एंड एक क्या क्वेश्चन पूछा था रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे इमानुअल मैक्रॉन ठीक है इस बार जो परेड हुई थी जो फ्रांस के क्या है प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है फ्रांस के बताइए अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल रेफर्स टू द राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है वन सेवेंटी सिक्स वन सेवेंटी एट वन सेवेंटी सेवन या फिर वन सेवेंटी फाइव तो यहाँ पर अगर हम सही क्वेश्चन आंसर की बात करें तो देखिए आप इसको कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ पता है क्या पता है आपको हाँ जी ये पता है आपको कि जो आपका सेंटर का आर्टिकल है अगर उसमें आप क्या कर दें सेंटर के आर्टिकल में 89 नाइन कर दें तो आपको मिल जाता है स्टेट का आर्टिकल यानी कि सेंटर सॉरी सेंटर के आर्टिकल में अगर आप 89 नाइन ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है स्टेट का आर्टिकल तो ये चीज़ सेंटर का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है राइट ऑफ मिनिस्टर्स विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट इट इज़ आर्टिकल नंबर 89 नाइन इफ़ यू अगर आप सॉरी आर्टिकल नंबर एट्टी अगर आपको याद हो और अब इस एट्टी में अगर आप एटी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको वन मिलेगा यही आंसर हो जाएगा अब ये क्या है राइट ऑफ मिनिस्टर दोनों में सेम चीज़ है एंड दैट इज कि आर्टिकल 88 की अगर मैं बात करूं 88 तो 88 ये बोलता है कि देखो दो सेश दो हाउस होते हैं लोकसभा होता है राज्यसभा होता है तो जो हमारे मेंबर्स होते हैं चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के दोनों हाउस में बोल सकते हैं वो ये जो राइट है मिनिस्टर्स के अलावा अटोर्ने जनरल महान्यायवादी किस आर्टिकल में हमेशा ने बताइए उसको भी मिला हुआ है कि वो किसी भी हाउस की जो प्रोसीडिंग्स में है वो उसमें हिस्सा ले सकता है लेकिन वो किसी भी हाउस में वोट नहीं कर सकता है जो अटॉर्ने जनरल होता है महान्यायवादी होता है क्योंकि ही इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है इसलिए वो वोटिंग नहीं कर पाएगा किसी भी हाउस में वो सिर्फ प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकता है वहीं अभी जो मैंने पहले बात बोली थी दैट वॉज कि दोनों हाउसेस के मेंबर दोनों हाउसेस की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं लेकिन जो लोकसभा का मेंबर होगा वो राज्यसभा में वोट नहीं डाल सकता है जो राज्यसभा का मेंबर होगा वो लोकसभा में वोट नहीं डाल सकता यानी वोटिंग आप अपने हाउस में ही कर पाओगे जिस हाउस के आप मेंबर हो बो बैठ आप किसी भी हाउस में सकते हो प्रोसीडिंग्स में हिस्सा कहीं कहीं भी ले सकते हो बोल आप किसी भी हाउस में सकते हो क्योंकि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी वो किसी भी हाउस का मेम्बर नहीं है इसलिए वो दोनों हाउस में बोल सकता है बैठ सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है अटॉर्नी जनरल की बात करें आर्टिकल नंबर सेवेंटी सिक्स अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट और प्लेजर उसके प्लेजर तक सर्व करता है इज़ दी हाइस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री सबसे बड़ा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार को कानूनी मामलों में उसको सलाह देने का काम करता है एडवाइस देने का काम करता है यही सेम तरीके से आर्टिकल वन स्टेट के मिनिस्टर्स को राइट देता है और जैसे अटॉर्नी जनरल होता है आपका सेंटर में वैसे ही स्टेट में कौन होते हैं एडवोकेट जनरल्स होते हैं आपके ठीक है हाइएस्ट ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड एल्गे इनमें से रेड एल्गे कौन सा है लाल शैवाल कौन सा है फाइओफाइके क्लोरोफाइके क्लोरोफाइ लिवर वर्ड या फिर रोडोफाई हाँ जी तो लेजिस्लेचर में कौन में से लोग आते हैं लाइक like, एग्जीक्यूटिव uh, में प्रेसिडेंट तो भैया एग्जीक्यूटिव जैसे सेंटर में होती है वैसे स्टेट में भी होती है आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछना चाहिए था कि सेंटर में एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं वैसे स्टेट के एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं ना कि लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं तो लेजिस्लेचर में आते हैं तीन लोग ही लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर समझे आप लेजिस्लेचर में जिस तरह पार्लियामेंट में आता है लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट उसी तरह स्टेट में आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल और अगर और गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल तभी होगी अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उस स्टेट में होगी जो कल बताए थे अगर बाई कैमरा लेजिस्लेचर है तो रही बात एग्जीक्यूटिव की जिसकी आप शायद चर्चा करना चाह रहे हैं बात करना चाह रहे हैं तो सेंटर के एग्जीक्यूटिव में होता है कौन प्रेसिडेंट होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है पीएम होता है प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और कौन होता है यहाँ पे होता है अटॉर्नी जनरल इसी तरह यहाँ पे ले लो यहाँ पे गवर्नर होता है वाइस प्रेसिडेंट की तरह वाइस गवर्नर तो होता नहीं है तो भाई पीएम की जगह सीएम आ जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ भी होता है अटॉर्नी जनरल की तरह एडवोकेट जनरल होता है खत्म रेड एल्गे होता है आपका रोडोफाई का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही आंसर होगा ठीक है फाइओ फाई के आपका क्या होता है ब्राउन एलगे होता है और ब्राउन एलगे जरा एक एग्जाम्पल दीजिए ब्राउन एलगे का क्लोरो फाई की आपका ग्रीन एलगे होता है ठीक है लिवर वर्ड की अगर बात करें तो ये किस प्लांट के फाइलम से बिलोंग करता है ब्राउन अलगे की अगर मैं बात करूँ तो जैसे लेमनेरिया हो गया आपका जिसको कि खाया भी जाता है लेमनेरिया जैसे कि आपकी सरगैसम सर्गैसम इसको हम कैल्प के नाम से भी जानते हैं जो भूरा शैवाल होता है कैल्प कैल्प के नाम से जानते हैं इसको सर्गैसो सी में यह ग्रास देखने को मिलती है सरगैसो सी ये किस ओशन में है जरा बताइए लिवर वर्ट की अगर बात करें तो भाई लिवर किसका खराब हो जाता है हॉर्न किस कौन ज्यादा लोग जो ब्रो लोग होते हैं अपने ब्रो मतलब ब्रायोफाइट विच आर विच आर कंसिडर्ड एज दी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि पादब जगत का इनको ओबैचर के नाम से भी जाना जाता है इसके और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मॉजेज इसको फ्यूनेरिया के नाम से भी जाना जाता है मर्चेंटिया ठीक है मर्सीलिया होता टेरिडोफाइट मर्चेंटिया हो गया रिंकिया के पापा हो गए ठीक है रिंकिया और आपका लिवर वर्ट हो गया हॉर्न वर्ट हो गया सब ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं सी आपको एटलांटिक ओशन में देखने मिलेगा ठीक है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है नॉर्थ अटलांटिक ओश्चन हमारा एस शेप में है ना एस शेप में, एस शेप में सबसे बिजिएस्ट ओशन भी इसको कंसिडर किया जाता है बिकॉज यार नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप एंड अफ्रीका है एस शेप का थोड़ा सा यहाँ पर सी आपको देखने को मिलेगा यहीं पर आपको सरगैसम ग्रास जो एक तरह की ब्राउन एल्गे होता है वो देखने को मिलता है ठीक है और ज़रा ये बताइए कि जो हमारा स्पाइर वैरा होता है जो कि एक तरह का ग्रीन एल्गे होता है उसमें कौन सा मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है एलगे में और क्या एल्गे में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी या फिर नहीं 1932 में बत्तीस में हु डिस्कवर अ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड एज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज बट हैविंग अ मास ऑफ द ऑफ़ मैग्नीट्यूड एज दैट नॉर्मली पॉजिट बाय फ्री नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन में आपका नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है बट दोनों का सेम होता है मास कितना होता है किसी को पता है 10 31 और इसमें चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन uh, की अगर हम बात करें तो चार्ज भी मैंने बताया था और तो सबसे पहले चार्ज की, SI क्या होती? तो की SI होती है आपकी कूलॉम और अगर हम बात करें चार्ज की तो चार्ज होता है इसमें अब इसकी डिस्कवरी करी थी कार्ल एंडरसन ने और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ ही मिला था इकत्तीस साल की उम्र में मात्र ठीक है पॉल ड इन्होंने जो है कल भी इनके बारे में पढ़ा था इन्होंने क्वांटम क्वांटम थ्योरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जब भी क्वांटम थ्योरी की बात आए तो पॉल ड याद आनी चाहिए अर्न स्टेदोर्ड की अगर कर बात करें तो इन्होंने क्या किया था अल्फ़ा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल गोल्ड अल्फा पार्टिकल गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ठीक है या फिर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं जहां पर इन्होंने क्या किया था कि पतली सी गोल्ड की फॉयल ली थी पतली सी गोल्ड की एक फॉयल का मतलब है एक चादर शीट बहुत शीट लिया बहुत पतला सा शीट बिकॉज हमें पता है कि गोल्ड बहुत मैलिएबल होता है मैलिएबल का मतलब होता है किसी मेटल को पीट पीट के उसकी थिन शीट आप ड्रॉ कर देते हैं उसको मैलिएबल बोलते हैं डक्टाइल बोलते हैं तब जब आप किसी मेटल को बहुत लंबे लंबे वायर्स में स्ट्रेच कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड इज डक्टिलिटी तो गोल्ड में वो प्रॉपर्टी इसलिए उन्होंने गोल्ड को चुना ठीक है महंगा आता है फिर भी लेकिन उन्हें एक्सपेरिमेंट करना था तो उन्होंने इसमें अल्फा पार्टिकल्स की विचार नथिंग बट डबली चार्ज हीलियम आटम्स डब्ली चार्ज हीम आटम्स तो इनको बम्बार्ड कर बहुत सारे यहाँ पर मारे तब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ दी जितने भी हैं वो निकल गए वापस कुछ डिफ्लेक्ट हो गए कुछ रिबाउंड कर गए कुछ एकदम रिबाउंड कर गया तो वहां से इन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि किस तरह से जो मास होता है किसी एटम का वो उसके सेंटर में रिसाइड करता है और सेंटर में तुम्हारा बैठा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठीक है जो कि बहुत वेटेड है और आसपास और बाकी का जो क्षेत्र है न्यूक्लियस का वो खाली है तभी ज़्यादातर जो हमारे जो, जो बाकी जो एटम का जो एरिया है वो खाली है तभी जो हमारे अल्फा पार्टिकल है वो निकल गए कुछ जो न्यूक्लियस से हिट किए वो रिबाउंड कर गए जो न्यूक्लियस के थोड़ा साइड से गए वो डिफ्लेक्ट हो गए और जो एकदम हिट करिए एकदम हेड ऑन हेड कॉलिजन किए वो वन डिग्री रिफ्लेक्ट हो गए तो एक तो उन्होंने ये बताया एक यानी कि एक तरह से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी ऑफ एन एटम साथ ही साथ इन्होंने जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं उसकी भी डिस्कवरी करी प्रोटॉन्स का हम क्रेडिट वैसे गोल्ड स्टीन को भी दे, दे देते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जिन्होंने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया था बट वो एक्सप्लेन करने का, का काम किया किसने रदरफोर्ड ने नील्स बोर बोर बड़ी मॉडल इन्होंने दिया था और नील्स बोर की अगर हम बात करें तो इन्होंने ही बताया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर शेल में जो इन्होंने फॉमूला दिया था टू एंड स्क्वायर हमारी जो डिफरेंट शेल्स होती हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जैसे न्यूक्लियस हो गया तो ये के शेल एल शेल एम शेल एन शेल डिफरेंट शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे मैक्सिमम वो टू एंड स्क्वायर फॉर्मले से पता चलता जो नील्स बोर ने दिया था वट इज दी स्टैंडर्ड वेट ऑफ हॉकी बॉल हॉकी गेंद का मानक वजन कितना होता है कितना होता है तो ये होता है जरा ये बताओ हॉकी में कितने फील्ड हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं ठीक है आइस हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं एंड uh, जो अभी हॉकी फाइव फेस का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं एंड uh, वो आइस हॉकी सॉरी वो जो आपका फाइव एस वाला जो टूर्नामेंट है वो जीता किसने था तो वेट होता है एक से लेकर एक ग्राम तक का ठीक है अगर बात करें तो फील्ड हॉकी में ग्यारह होते हैं आइस हॉकी में होते हैं आपके छः प्लेयर्स होते हैं एंड फाइव एस हॉकी में अगर बात करें तो पाँच ही प्लेयर होते हैं सिर्फ ठीक है पांच प्लेयर होते हैं इंक्लूडिंग गोलकीपर और यहां पे भी इंक्लूडिंग गोलकीपर तो पांच प्लेयर होते हैं और ये हुआ था कहां पे आपका ओमान की कैपिटल मस्कट में इसका पहला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था अभी पक्का पूछेगा आपसे जीता किसने मैन और वुमेन में दोनों नेदरलैंड्स ने जीता और वेमेन वाली में हमारी जो टीम है वो फाइनल्स तक पहुंची थी यानी नैदरलैंड ने फाइनल में हमारी इंडियन टीम को हराया था ठीक है अगला क्वेश्चन है नाइनटीन नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सेवन ईयर वॉर्स हाँ सेवन ईयर्स ऑफ वॉर इन द एटी सेंचुरी वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटेन एंड विच कंट्री तो सेवन ईयर वॉर जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुए थे बिकॉज़ इनकी बहुत सारी कॉलोनीज़ थी जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी मतलब इंडिया में पूरी तरह से ब्रिटेन अभी शासन शुरू नहीं हुआ था इन लोगों ने मतलब ट्रेडिंग के बहाने जाते थे और वही इनका काम था रूल करना वहाँ पे तो नॉर्थ अमेरिका में इनकी लड़ाई चल रही थी कि हमारी टेरेटरी वो हमारी टेरेटरी वहाँ पर भी ये लोग रूल कर रहे थे तो वहाँ से ये बैटल शुरू हुआ था सेवन ईयर वॉर सात साल तक चला था सत्रह सौ चौवन में स्टार्ट हुआ था सेवनटीन फिफ्टी फोर में एटीन सेंचुरी यही होता है आपका ठीक है तो सेवनटीन फिफ्टी फोर में स्टार्ट हुआ था सात साल चले थे तभी इनको सेवन ईयर वॉर बोलते हैं इंडिया में इंडिया में इसका एक्सटेंशन था भैया हर जगह जहाँ जहाँ इनकी टेरिटरी थी ब्रिटेन फ्रांस की वहाँ वहाँ लड़ रहे थे ये इंडिया में भी दोनों मौजूद थे अभी हमें पता है ना कि पॉर्चुगेज़ सबसे पहले आए थे फोटी में ठीक है पोर्तुगीज आए थे सबसे पहले देन डेंस आए थे देन हमारे ये सॉरी देन हमारे डच आए थे देन हमारे ब्रिटिशर्स आए थे ब्रिटिशर्स देन हमारे डेंस आए थे डेनमार्क वाले देन हमारे फ्रेंच आए थे ठीक है तो ये दोनों लड़ रहे थे आपस में और यहाँ पे इनकी लड़ाई रूप ली एगलो कॉर्नेटिक वॉर के रूप में एंग्लो कार्नेटिक वॉर एंग्लो कार्नेटिक युद्ध तीन युद्ध हुए थे ख़त्म हुआ था जो थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर जो कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश यह ध्यान रखना कब हुआ था वंडवासी का युद्ध भी बोलते हैं इसको वॉन्डी वॉश का भी युद्ध बोलते हैं ये 1760 में हुआ था 1760 में जहां पे ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था और यहीं से एक तरह से फ्रांसीसियों को खात्मा कर दिया था मतलब ठीक है कुछ टेरिटरी इनको दे दी थी कि भाई तुम लोग यहाँ पे रहो लेकिन अगर हम देखें तो पूरी तरह से इन्होंने ये एक तरह से अब ये मान लिया था कि भाई अब यहाँ पे कौन रूल करेगा यहाँ पे रूल करेंगे हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो और जरा ये बताइए ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज को किस बैटल से भगाया था यहाँ पे किस बैटल से और एक चीज ध्यान रखना ट्रीटी हुई थी ये जो थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर है सत्रह से लेके यानी बैटल ऑफ प्लेसी सत्रह को हुआ था ना से लेके सत्रह तक चला था बिकॉज सेवनटीन में ट्रीटी संधि हो गई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस पेरिस में ट्रीटी हो गई थी इन लोगों ने डील कर लिया था कि यहाँ वाली ये टेरेटरी तुमको ये वाली वो इंडिया में ऐसे इन उन्होंने आपस में वहीं पे डील कर लिया था और यहीं पे ही इसी ट्रीटी के बाद फ्रेंच रिमेंड अ माइनॉरिटी पावर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन इंडिया ठीक है तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और इसमें ब्रिटिश फोर्सेस को किसने लीड किया था वनवासी के युद्ध में आयरकूट ने लीड किया था कूट दिया था आयरकूट ने ठीक है और यहाँ और इनको कौन लीड कर रहा था काउंटेड डी लली लीड कर रहा था लल्ली जो जो हैं इनको लाल कर दिया था कूट कूट के किसने आयरकूट ने ठीक आयर है तो फ्रेंच फोर्सेस को काउंट डी लैली लीड कर रहे थे ये बैटल हुआ था बैटल ऑफ सवाली सवाली का युद्ध हुआ था 1612 में अगर आपको याद हो ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री मसूली पटनम में सेटअप की थी आंध्रा में ठीक है 1611 में परमानेंट नहीं थी फिर परमानेंट सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी 1613 में और 1612 में पहले सवाली में इनका पहुंच चुकी इसको थोड़ा सा खात्मा किया पहले तब उसके बाद ये जो लोग यहां पे आए ठीक है इतनी चीज अब बढ़े आगे ठीक क्लियर है सर अच्छा पहला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने नहीं बताया लेकिन लिख देता हूँ मैं अगर आपको चाहिए तो सेवनटीन फोर्टी सिक्स से लेके कर फोर्टी एट तक यहाँ पे चला था पहला वाला दूसरा वाला चला था फोर्टी सेवनटीन फोर्टी नाइन से लेके कर फिफ्टी फोर तक और तीसरा वाला चला था सेवनटीन फिफ्टी सेवन से लेके कर सिक्सटी थ्री तक ठीक है तीसरा वाला चला था द आर्म्स एक्ट आखिरी क्वेश्चन है वॉज पासड इन डैश दैट प्रिवेंटेड इंडियंस फ्रॉम कीपिंग आर्म्स विदाउट एन अप्रोप्रिएट लाइसेंस तो ये आर्म सेक्ट कब आया था 1878 1897 1912 या फिर 1909 तो आर्म सेक्ट आया था लिटन के टाइम पे कौन लाया था लिटन लेके आया था ये आर्म्स एक्ट को 1878 में जहाँ पे इंडियंस बिना लाइसेंस के आर्म्स नहीं रह सकते और बहुत सारे इंपोजिशंस लग, मतलब लगा मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे आर्म्स को कैरी करने के लिए लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस ब्रिटिशर्स के लिए नहीं थे, थे सिर्फ इंडियंस के लिए थे बाद में इसको रिपील कौन करेगा वही रिपील करेगा जो हमें पता है 1878 में ही वर्नैक्लर प्रेस एक्ट भी लाया था लेटन ही लाया था जिसको रिपील किसने किया था रिपन ने किया था लेटन लाया था रिपन ने रिपील किया था कल भी देखे थे एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इनके टाइम पे, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं इनको फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था और हंटर एजुकेशन जो कमीशन है हंटर एजुकेशन कमीशन वो भी रिपन के टाइम पर आया था हंटर कमीशन जलियावाला बाग हत्याकांड को देखने के लिए भी बना था बाद में लेकिन वो अलग है ये एजुकेशन कमीशन है ये वाला ठीक है तो यहाँ पे सही आंसर ये होगा और 1909 की बात करें 1909 की तो यहाँ पे आपको क्या आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है जो जाना जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन के लिए जाना जाता ही है और एक इंडियन को इंक्लूड किया था वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और पहले इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हमारे ठीक है एटीन में कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कोई बताना चाहेगा स्वामी विवेका नंद ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मिशन के जो प्रेसिडेंट थे उनकी अभी डेथ हुई है कल परसों में 95 फाइव ईयर्स के एज में तो रामकृष्ण मिशन इसका हेडक्वार्टर कहां पे था बेलूर मठ में था कोलकाता में वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर था ठीक है क्लियर इतनी चीज यहाँ तक सभी को और यहाँ पे सेशन होता है हमारा खत्म सर पब्लिक हो सकती है अमेरिका तो नहीं हो सकता है रामकृष्ण मिशन यहाँ से बाकी चीज़ें भी कॉल कर सकते हैं कि भाई एटीन फोर्टीन में अमित सभा एटीन ट्वेंटी एट में ब्रह्मो समाज एटीन सेवेंटी थ्री में क्या बना था सत्यशोधक समाज एटीन सेवेंटी फाइव में आर्य समाज एटीन फोर्टी नाइन नाइन में एटीन सिक्सटी सेवन में, में प्रार्थना समाज और एटीन 18... सिक्सटी में प्रार्थना समाज एटीन फोर्टी नाइन में दादोबा पंडुरंग ने क्या बनाया था परमहंस मंडली ठीक है परमहंस मंडली बनाई थी और फिर अगर हम बात करें और क्या सारे तो हो गए ठीक है सत्य समाज भी हो गया एटीन थ्री आर्य समाज एटीन सेवेंटी फाइव बाई स्वामी दयानंद सरस्वती ठीक है अब मतलब इतना सारा कुछ रिकॉल करने के स्वामी दयानंद सरस्वती गो बैक टू तो इंडियंस ठीक है और इंडिया फॉर गो बैक टू तो वेदास इंडिया फॉर इंडियंस सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखी थी सुधी मूवमेंट इन्होंने दैट इज़ प्योरीफिकेशन मूवमेंट चलाया था पहली यूनिट बॉम्बे में सेटअप की थी देन लाहौर इसका हेडकोटर शिफ्ट किया था ठीक है एंड गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्म जो है ये ज्योतिराव फूले जी की किताब थी ठीक है एंड ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर राजा राम मोहन रहा उससे आप रिकॉल कर सकते हैं 1839 थर्टी नाइन में आपकी क्या बनी थी तत्वबोधिनी सभा तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली थी देवी देवेंद्र नाथ टैगोर ने फिर उसके बाद आदि सॉरी इसके बाद केशव चंद्र सेन की एंट्री होती है कैसे सिक्सटी में तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं ठीक है चलिए भाई तो आज का लेक्चर होता है हम लोग को ख़त्म बाकी मिलते हैं कल और हमारे बस बच्चे हैं कितने तीन लेक्चर फोर्टी एट फोर्टी नाइन एंड फिफ्टी और उसके बाद ख़त्म मूल शंकर बिल्कुल ट्रैवेज बीट द दिट मूल शंकर उनका नाम था थॉर हिटलर का दमान पूछ रहे हैं सर थोड़ा सबशल बता दो सबशल होती हैं आपकी ये जो एस पी डी एफ होती है ना एस पी डी एफ जो हम ब्लॉग पढ़ते हैं सबशल होती हैं एस पी डी एफ नहीं होगा तो जब हम लोग केमिस्ट्री अभी कवर करेंगे बायोलॉजी के बाद बायोलॉजी के बाद तो उसमें इसको अच्छे से कवर कर लेंगे ठीक है एस पी डी एफ ये हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स भी होते हैं पीरियडिक टेबल में इन्हीं को हम सबशल के नाम से जानते हैं आपने जिन लोगों ने आ, पढ़ा होगा मतलब एलेवेंथ ट्वेल्थ में तो उन्होंने एजे मिथल नंबर करके कुछ पढ़ा होगा तो उसी से रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें है ना कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो एस शेल में होता है देन पी में सब शेल में देन डी में देन एफ में इस तरह से ठीक है या कि सबशल्स होती हैं पचास के बाद क्या प्लान है वो संडे को बताएंगे पचास के बाद का प्लान संडे को ठीक है कंप्यूटर का क्विज़ करवा दो सर फॉर डी ट्रिपल एस पी शिवम शिवराम करवाते हैं देखते हैं ठीक है अगर पॉसिबल होता है तो बाकी क्विज़ आप लोग अटैम्प्ट कर रहे हो ना बाकी क्विज़ तो अटैम्प्ट कर रहे हैं ना और क्विज़ ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप उसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं जिन जो लोग अभी भी अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो सर इन्वायरमेंट कब कर करवा रहे हो बस केमिस्ट्री खत्म होने के बाद नहीं यार वो नमो वो क्लास तो पब्लिक नहीं हो पाएगी अभी चलिए वही बार बार रिपीट हो रहे हैं ठीक है थैंक यू